मेरा नाम इरफान हसन है, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाता हूँ. उसके अलावा मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी हूँ और आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ. और मेरा ताल्लुक एक्चुअली कराची से है, बट मैं लाहौर आया पढ़ने के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में. मैंने यहीं से ग्रेजुएशन किया मिनिएचर पेंटिंग के अंदर, और पिछले कई सालों से मैं एग्जीबिशंस कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, कई इस मुल्क में भी, इस मुल्क से बाहर भी. '45 में उस्ताद हाजी शरीफ पटियाला से माइग्रेट करके लाहौर आए, और उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर अपना स्टूडियो इस्टेब्लिश किया, और NCA में उनको एक जगह मिली जहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली मिनिएचर पेंटिंग पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया. उनके बाद उस्ताद शेख चुजला आए, उनके स्टूडेंट थे उस्ताद बशीर अहमद, जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया और बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्टों को पढ़ाया. मैं तो कुछ भी नहीं, पीपल लाइक शाजे सिकंदर, इमरान कुरैशी, आयशा खालिद, नुसरा लतीफ़ और बेतहाशा आर्टिस्ट जो है आजकल इस पूरी दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने और उस्ताद बशीर के शागिर्द हैं. आफ्टर ग्रेजुएशन फौरन ही उसके समझ लें कि दूसरे दिन ही शायद मैंने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा बिलीफ है कि अगर काम में ब्रेक आ जाए तो वो फिर आपको काम को दोबारा उस फ्लो में जाने के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं. मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जैसे सर नईम, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने बल्कि स्टूडियो में मुझे रखा और कहा कि तुमने जो करना है बस करो, लेकिन काम कभी ना छोड़ना. तो उसकी वजह से मेरी हैबिट ऐसी बनी कि आज तक, मतलब अब मुझे तकरीबन 10 साल हो गए ग्रेजुएट किए हुए, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं काम ना करूँ. मुझे जब शौक हुआ आर्ट का, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी एक हैबिट होती थी कि मैं अक्सर शहर के पुराने हिस्सों में, जैसे खोड़ी गार्डन एक बहुत फेमस इलाका है कराची के अंदर, जहाँ पे पुरानी आर्ट्स की किताबें मिला करती थी, तो मैं अक्सर जो है अपना कॉलेज बंक करके मैं वहाँ से, पता नहीं कौन सी बस थी, तो उस काफ़ी बसेस चलती थी वहाँ से जो गुलशन इकबाल थे, उर्दू बाजार और इन सब एरियाज में जाती थी, तो मैं वहाँ जाके बुक्स खरीदा करता था, जिसमें बहुत से ओल्ड मास्टर्स की, फॉर एग्जांपल रैमरान और करवाजियो, पीटर पॉल रूबिन्स, तो इनकी ड्राइंग्स और इनकी पेंटिंग्स देख के बुक्स के अंदर बड़ा मज़ा आता था. और वहीं से मैंने क्या ये करता था कि मैं उनको कॉपी किया करता था, उनकी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स को, और वहीं से मेरी आदत पड़ी कि यूरोपियन आर्ट्स को स्टडी करने की और पोर्ट्रेट को स्टडी करने की, और वही इन्फ्लुएंस मेरे काम में अभी तक है. ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वन टाइम फिल्म पाकिस्तान की तरफ से कि वो आर्टिस्ट को और आर्टिस्ट के काम को कवर करें, और इससे पहले तो ये होता भी नहीं था. मतलब मैं खुद जब मैंने आर्ट शुरू किया तो मेरी होती थी कि मैं कभी जान सकूं आर्टिस्ट के बारे में, स्पेशली जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं उनके बारे में, लेकिन बड़ी रेयर फुटेजेस हमें मिलती थी. लेकिन इट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव 110 फिल्म की तरफ से कि आई होप कि ये और लोगों के स्टूडियोज भी कवर करें, और पूरे पाकिस्तान में आर्टिस्ट का मैसेज, आर्टिस्ट का काम और आर्टिस्ट के स्टूडियोज को शेयर करें पूरे दुनिया में. एंड गुड लक.